हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शुभम राज आज आपके सामने बहुत ही कॉमन डिजीज कंस्टिपेशन या कब्ज की चर्चा करूंगा। आज हम लोग में से कई लोग इस कब्ज नामक बीमारी से परेशान रहते हैं और इससे सफ़र करते हैं। हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से आज बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर के अंदर अपना घर बना लेती है और बहुत मुश्किलें का सामना करना पड़ता है। उन्हीं सब बीमारियों में से एक बीमारी है कब्ज या कॉन्स्टिपेशन। आज हम जानेंगे कि कब्ज क्या है, कब्ज के कारण क्या हैं, कब्ज के लक्षण क्या हैं और कब्ज के उपचार क्या हो सकते हैं। उपचार में हम ये बताएंगे कि हम अपने लाइफ स्टाइल को कैसे चेंज करके इस कब्ज से छुटकारा पा सकते हैं और इसके अलावा कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की चर्चा भी हम करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले कब्ज क्या है? कब्ज हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र की एक बीमारी होती है। इस दौरान शरीर से मल पास करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और वो मल पूरी तरह से सूख जाता है। इसके अलावा अब हम जानते हैं कब्ज के कारण क्या हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो कब्ज के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसों में ये जो कब्ज होती है वो हमारे डाइट के फाइबरस डाइट हम लोग नहीं लेते हैं, इसके कारण ये बीमारी होती है। इसके अलावा दूसरा कारण ये हो सकता है कि जब हम खाना खाते हैं तो वो फूड हमारे इंटेस्टाइन में यानी कि हमारे आँत में पहुँचती है। जब वो आँत में पहुँचती है तो वो अपने सामान्य गति से मूवमेंट करने के बजाय वो बहुत धीरे धीरे आगे की तरफ मूवमेंट करती है, जिसके कारण जब वो मूवमेंट करती है तो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में पानी का अब्जॉर्प्शन शरीर में हो जाता है। इसके कारण वो जो स्टूल होती है, वो जो मल होता है, वो पूरी तरह से सूख जाता है और वो हार्ड हो जाता है। अब हम जानेंगे कि आखिर कब्ज के लक्षण क्या हो सकते हैं। तो कब्ज के बहुत सारे लक्षण होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कुछ कॉमन लक्षण के बारे में, कॉमन सिम्टम के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कब्ज का जो लक्षण है वो है स्टोमिक पेन यानी कि पेट दर्द। इसके अलावा स्टोमिक क्रैम्प भी एक इसका लक्षण हो सकता है। इसके अलावा नौजिया यानी कि उल्टी जैसा यानी कि वोमिटिंग जैसा सेंसेशन होना भी एक इसका प्रमुख लक्षण होता है। इसके अलावा भूख की कमी भी हमको इसमें देखने को मिलती है। फिर इसका एक लक्षण ये हो सकता है कि मल त्याग करने की तो इच्छा होती है पर मल बहुत कम मात्रा में शरीर से बाहर निकलता है या फिर कभी कभी निकलता ही नहीं है और उस दौरान बहुत ज़्यादा दर्द का हमें एहसास होता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम जानते हैं इसके उपचार के बारे में कि आखिर कब्ज का उपचार क्या है, कब्ज का ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैंने शुरू में ही बताया था कि कब्ज जो होती है वो हमारे लाइफ स्टाइल के वजह से होती है। तो सबसे पहला काम हम अपने लाइफ स्टाइल को बदल के कब्ज से छुटकारा पा सकते हैं। तो कब्ज से छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले हमें फाइबरस डाइट की फूड अपने डाइट में इन्वॉल्व करनी पड़ेगी, जिसमें वैसा फूड का हमें सेवन करना पड़ेगा जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में फाइबर्स मिलता हो। इसके अलावा आप सुबह सुबह गर्म पानी पी करके भी इस समस्या से राहत पा सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप कुछ योग या व्यायाम करके भी इस समस्या को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम जानेंगे इसके होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में और होम्योपैथिक इलाज के बारे में।
तो सबसे पहला जो मेडिसिन है वो है नक्स भूमिका। नक्स भूमिका बहुत अच्छी मेडिसिन है, मैंने पर्सनली भी बहुत सारे पेशेंट्स को इसको दिया है और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहला मेडिसिन है नक्स भूमिका। नक्स भूमिका एक ऐसी मेडिसिन है, अगर आपको मल त्याग करने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा हो, मल त्याग करने की तो इच्छा हो रही हो लेकिन मल बहुत कम अमाउंट में बाहर, कम मात्रा में बाहर निकल रहा हो, और यदि वो मल पेट में यानी कि स्टोमिक में यानी कि हमारे एब्डोमेन के अंदर ही रह जा रहा हो और बहुत अमाउंट में पेन होता हो, दर्द होता हो, तो हम इस नक्स भूमिका मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। नक्स भूमिका 200 पोटेंसी में हम सुबह शाम इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा एक और मेडिसिन है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम भी बहुत अच्छी मेडिसिन है कंस्टिपेशन यानी कि कब्ज के लिए। यदि आपका मल हार्ड हो गया हो और शरीर से बाहर निकलने के दौरान बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो और बहुत कम अमाउंट में, बहुत कम मात्रा में वो आपका मल शरीर से बाहर निकल रहा हो, पेट में हमेशा दर्द रहता हो, तो आप नक्स भूमिका 200 पोटेंसी का यूज कर सकते हैं, इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो तीसरी मेडिसिन है वो है साइलेसिया। साइलेसिया जो मेडिसिन है वो भी बहुत अच्छी मेडिसिन है जो कि कंस्टिपेशन में बहुत अच्छा काम करती है। साइलेसिया यदि अगर हम स्टूल पास करते हैं और स्टूल पास करने में, स्टूल को बाहर निकालने में हमें बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो हम इस साइलेसिया मेडिसिन को देते हैं या इसका यूज करते हैं। यदि स्टूल बहुत कम अमाउंट में निकल रहा हो, स्टूल में पेन हो रहा हो पास करने में, तो इस मेडिसिन का यूज होता है। स्पेशली वो स्त्रियाँ, वो फीमेल जिसके मेंसेस आने के पहले या मेंसेस आने के बाद अगर वो कंस्टिपेशन से सफ़र करती है तो इस मेडिसिन का यूज कर सकती है। साइलेसिया 30 पोटेंसी में सुबह शाम सेवन करने से उसको अच्छा कंस्टिपेशन से राहत मिलेगा। इसके अलावा हमारी जो चौथी मेडिसिन है वो है ब्रोनिया अल्बा। ब्रोनिया अल्बा भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसको मैंने पर्सनली तौर पे भी अपने पेशेंट्स को अपने क्लिनिक पे बहुत यूज किया है और इस ब्रोनिया अल्बा का बहुत वंडरफुल रिजल्ट हमको देखने को मिलता है। अगर आपको स्टूल बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया हो, स्टूल पूरी तरह से सूख गया हो, पूरी तरह से वो जला जैसा प्रतीत हो रहा हो, जला जैसा लग रहा हो, उसका कलर पूरी तरह से ब्राउन हो गया हो, स्टूल पास करने के दौरान, स्टूल को बाहर निकालने के दौरान, मल त्याग के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द का सामना करना पड़ रहा हो, तो ब्रोनिया 200 पोटेंसी में या 30 पोटेंसी में आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो चौथी मेडिसिन है वो है एलुमिना। एलुमिना मेडिसिन भी बहुत अच्छा फ़ायदा करती है, स्पेशली बूढ़े लोगों में और बच्चे लोगों में। बच्चे या बूढ़े लोग में अगर वो कंस्टिपेशन के शिकार हो गए हों और या वो कब्ज के शिकार हो गए हों और उन्हें स्टूल पास करने में पेन होता हो, स्टूल हार्ड हो गया हो, पेट में ऐठन होता हो, क्रैम्प होता हो, तो आप इस मेडिसिन का 30 पोटेंसी में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और मेडिसिन है ओपियम। ओपियम जो मेडिसिन है वो भी बहुत अच्छी मेडिसिन है और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलता है। इस ओपियम मेडिसिन में यदि आपके जो स्टूल है वो पास करने में वैसे ही पेन हो रहा हो और रेक्टम के पास यानी कि मल द्वार के पास अगर वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन हो रहा हो यानी कि जलन महसूस हो रहा हो और स्टूल पास करने की तो इच्छा होती हो लेकिन स्टूल बहुत कम अमाउंट में यानी कि मल बहुत कम अमाउंट में निकल रहा हो, तो आप ओपियम 200 पोटेंसी का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये सारी दवाइयाँ आपको होम्योपैथिक शॉप पे आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। ये सारी दवाइयाँ अलग अलग पोटेंसी में आपको उपलब्ध होगी। याद रखिएगा फ्रेंड्स, होम्योपैथिक मेडिसिन अलग अलग पोटेंसी में आती है और वो सारी पोटेंसी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग वो होती है, इसलिए
कभी भी ये सब अगर होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज करें तो अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इसका यूज करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद।